नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। एलियन बनने की सनक, कटवाली, नाक, कान, ओट और उंगलियां। ब्लैक एलियन बनने की चाह रखने वाले फ्रांस के एथनी लोफ्रेडो का एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल इस बार उन्होंने अपने हाथ को एक अजीब पंखे जैसा दिखने के लिए अपनी दो उंगलियों को कटवा दिया है। एंथनी ने सिर्फ अपनी उंगलियां ही नहीं कटवाई है, बल्कि इससे पहले वह अपने नाक और ऊपर के ओंठ भी कटवा चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने अपनी आंखों के अंदर भी टैटू करवा ली है। बता दें कि 33 वर्षीय एंथनी ने अपने बाएं हाथ की इन दोनों उंगलियों को कटवा के लिए मैक्सिको जाकर एक सर्जरी करवाई है। लोफ्रेडो ने अपने पूरे शरीर को टैटू से गुदवा रखा है। यही नहीं, ब्लैक एलियन बनने के लिए उन्होंने ना जाने कितने ही सर्जरी भी करवाई है। इसके बावजूद लोफ्रेडो का कहना यह है कि अभी भी उन्हें पूरी तरह ब्लैक एलियन बनने के लिए 35% बदलाव की और ज़रूरत है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी ये फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, अभी ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। मेरा जो ब्लैक एलियन बनने का सपना है, उसमें से एक और प्रक्रिया अभी पूरी हुई है, जबकि 35% प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। मेरे इस सफल सर्जरी के लिए मैक्सिको को धन्यवाद। लोफ्रेडो ने सर्जरी के बाद अपने हाथ का ब्लैक एंड वाइट फोटो लेते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उसमें लिखा, शांति में ऊर्जा के लिए धन्यवाद, अगले हाथ के लिए अब तैयारी शुरू।